अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंडा बिल्कुल भी नए तरीक़ा से और बिल्कुल भी इजी और आसान तरीक़ा से, जिसे आप झटपट से बना सकते हैं मिनटों में। अगर आपको भूख लगी हो तो आप मिनटों में ये बना सकते हैं और इसे रोटी या चावल किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, में आज मेरा तबीयत ख़राब है, गला बैठा हुआ है, इसीलिए आवाज़ सही नहीं आएगी, इसके लिए हमको माफ़ कीजिएगा। और चलिए अब हम शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो हमने ये देखिए एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम तेल डाल दिए हैं। तेल जब गर्म हो जाएगी तो हम प्याज को डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज तो ये देखिए हम धीरे धीरे, मतलब उलटते पलटते हुए इसको फ्राई कर लेंगे, मतलब ज़्यादा जलाएंगे नहीं, सिर्फ ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए मेरा प्याज जो है हल्का ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें एक बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। और हम इसको अच्छे से भून लेंगे अदरक लहसुन को, ताकि इसका स्मेल ना आए। और अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। एक चम्मच जीरा पाउडर, मतलब मेरी जो छोटी वाली चम्मच है उसी से मैं डाल रही हूँ। और काली मिर्च का पाउडर एक चम्मच, यानी हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, क्योंकि हम लोग तीखा नहीं खाते हैं इसलिए। और मैं दो चम्मच यानी के एक टी स्पून चम्मच नमक डालेंगे। आप अपने स्वादानुसार डालिएगा, आप जितना बना रहे हैं अंडा वही हिसाब से डालिएगा। ये सब मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे और इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, ताकि हमारा मसाला जले ना और ये अच्छे से भुना जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाला जो है वो थोड़ा भुन चुकी है। तब हम इसमें एक टमाटर का पेस्ट बना कर रखे थे, वो भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो टमाटर कट करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसको ढक देंगे एक दो मिनट के लिए। एक दो मिनट में हमारे टमाटर जो है वो गल जाएगी। देखिए एक मिनट हो चुकी है, तो टमाटर जो है हमारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। इसको हम थोड़ा देर और भूनेंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में और बिल्कुल भी सिंपल तरीके से बन जाती है आसानी से। और मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है और ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। तो अगर आप तीखा पसंद नहीं करते हैं तो आप ये मिर्ची पाउडर जरूर डाल सकते हैं कलर के लिए, ये बहुत अच्छी कलर आ जाती है हमारी सब्जी में। और बस हम इसको थोड़ा देर और भूनते रहेंगे।
हम जब तक भुनेंगे जब तक के हमारे जो मसाले हैं उससे तेल ना छोड़ दे। और फिर मैं सब्जी में ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ। अगर आपको ज़्यादा तेल खाना पसंद है तो आप ज़्यादा तेल डाल सकते हैं। मैं बस इतना ही डालती हूँ जिससे सब्जी हमारी अच्छे से बन सके, तैयार हो सके। और मसाले जो है हमारे वो भुना चुकी है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मसाले हमारे भुन चुकी है। और मैं इसको मीडियम फ्लेम पर ही भून रही हूँ क्योंकि मैं हाई नहीं करती। लो फ्लेम पर आप भूनिएगा मसाले को तो बहुत अच्छे तरीके से ये भुना जाती है। और अब हम इसमें धनिया का पत्ते यानी हरा धनिया डाल देंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, हरा धनिया को मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। फ्रेंड्स मैं वीडियो ज़रा भी स्किप नहीं कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि आप ये टेस्टी अंडे का सब्जी आप बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगती इसे बनाने में। देखिए मैं इसमें पानी डाल दी हूँ, पानी डाल के मैं थोड़ा इसको ग्रेवी बना लूँगी क्योंकि अगर ग्रेवी नहीं रहेगी तो मैं जो अंडा डालूँगी इसमें वो पकेगी नहीं और मसाले हमारे जो जल जाएंगे, तो इसीलिए ये देखिए मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। पानी में हम उबाल आने देंगे ग्रेवी में। और अब मैं इसमें अंडे डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैं 4 अंडे इसमें डाली हूँ। तोड़ करके बस कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली इसमें अंडा तोड़ कर डाल देना है। नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, आप उसको डालिएगा, अंडे को फोड़िएगा, डायरेक्ट ही अब सब्जी में डाल दीजिएगा। और ये देखिए हमारी सब्जी भी तैयार हो चुकी है बन के। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, बस 1-2 मिनट में ही ये पक जाती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।